वेलकम पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है, नाम नदी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बन चुके हैं इस दुनिया के फास्टेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग वाले। अच्छा, तो मतलब फास्टेस्ट इंग्लिश बोलते हैं। नहीं तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। देखिए भैया वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत कमाल का ये वीडियो निकल कर आ रहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मैं तैयार नहीं हूं, मैं जाना चाहता हूं। आप कहां जाओगे? आप कहां जा रहे हो? बोलना चाह रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोलोगे? क्या बोल सकते हो? तैयार हो? कौन है? मैं आ रहा हूं, मैं आ सकता हूं, मुझे आना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कहाँ हो? Where are you क्या now? आप मुझे जानते हैं? Do you know me? Excellent. आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आपको जानता नहीं। How do you know me? Because I don't know you. Okay, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैं इंग्लिश सीखता हूँ। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। Wow, I like it. Machine. Now, audience, the most talented, the extraordinary, the brilliant, the creative, the extraordinary, and one of the best translator of our class. So, ma'am, are you ready? Yes, sir. ओके, मेरा नाम महिमा पटेल है और मैं अहमदपुर खेगांव से हूँ। माय नेम इज महिमा पटेल एंड आई एम फ्रॉम अहमदपुर खेगांव। ओके, क्या आप तैयार हैं? क्या आप जा रहे हैं? क्या आप जाएंगे? क्या आप जा सकते हैं? वो कौन है? हु इज शी? हु इज शी? लड़का है तो? हु इज ही? मुझे नहीं पता वो कौन है। आई डोंट नो हु इज ही। क्या वह आपका भाई है? इज ही योर ब्रदर? हाँ, वो मेरा भाई है। यस, ही इज माय ब्रदर। क्या आप उसकी मदद करते हो? बोल भी सकता हूं। डू यू हेल्प हिम? हां, मैं उसकी मदद करती हूं। यस, आई हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करती हूं लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। I help him but he doesn't help. वो जबरदस्त है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। I want to help him. मैं आना चाहता हूं। I want to मैं come आऊंगा। मैं आ सकता हूं। मुझे आना पड़ेगा। I will have to come here. आप कहां हो? दुनिया में पहले सुन रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोलोगे? क्या बोलने के लिए तैयार हो? Are you ready for speaking? Excellent. इस रूम में 50 स्टूडेंट नहीं है। There are not 50 students in this room. आपको सोचना चाहिए। You should think. पहले गिनो फिर बोलो। First count and then speak. सुनो, कैसी नॉलेज है? क्या सुन रहे हो? क्या सुन सकते हो? क्या बोल सकते हो? क्या बोलने के लिए तैयार हो? क्या मुझे जानते हो? क्या पंखा चल रहा है? इज द फैन रनिंग? क्या बोलोगे? इज द फैन रनिंग? हाँ, पंखा चल रहा है। यस, फैन इज रनिंग। फैन नहीं चल रहा है? फैन इज नॉट रनिंग। क्या आप बोल रहे हो? आपको सोचना चाहिए। आपको बोलना चाहिए। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप जा रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोलोगे? क्या बोल सकते हो? क्या तैयार हो? वो कौन है? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे आना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना पड़ेगा। आपको बोलने की जरूरत है। यू नीड टू स्पीक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। निकिता, आर यू रेडी टू स्पीक? यस सर। नया वाला मान गया। माइक में बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, अच्छे से बोलना है। डर तो लगती ही हमको। राठौर सिस्टर्स नाम चलता है। अच्छा, टीचर भी बड़ा फ्रैंक है। आपको थोड़ा हेजिटेशन होता है ना? बाकी राठौर सिस्टर्स में आपको नहीं डर लगता है? आपको भी नहीं लगता है? चलो अच्छी बात है। ओके, सो कैन वी स्टार्ट? ओके निकिता, आर यू रेडी टू स्पीक? यस सर। ओके, से लाउडली, यस सर आई एम रेडी टू स्पीक। यस सर आई एम रेडी टू स्पीक। आर यू कॉन्फिडेंट? यस सर। से लाउडली, यस आई एम कॉन्फिडेंट। Yes, sir. I am confident, but little bit I have hesitation. Why you have hesitation? You don't need to hesitate. Yes, okay? Sir. You are the student of Persona Institute. And here, student don't hesitate. Got it? Yes, so sir. Say loudly, I am confident. I am confident. I am not hesitating. I am not hesitating. I can speak loudly and confidently. I can speak confidently and loudly. Yes, because I am a confident girl. Because I am a confident girl. I don't scare. I don't scare. I can do anything. So, मेरा नाम निकिता है। My name is Nikita. मैं खंडवा से हूँ। I'm from खंडवा। Okay, अभी आप कहाँ हो? Where are you now? सर, मैं अभी कोचिंग में हूँ। I'm in a coaching now. अभी आप क्या कर रही हैं? What are you doing now? Excellent. What are you doing now? मैं अभी इंग्लिश सीख रही हूँ। I'm learning English now. आप इंग्लिश क्यों सीख रही हैं? Why are you learning English? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to go there. मैं वहाँ जाऊंगा। I will go there. I will go there. मुझे वहाँ जाने की जरूरत है। To go there. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? Why are you learning English? आप इंग्लिश कैसे सीखी? How did you learn English? How did you learn English? क्या आप इस क्लास के स्टूडेंट हो? Are you this class of student? Are you student of this class? Everyone, the mistakes that Nikita is making, we don't have to make it. Okay? And that is why we have to listen very carefully. Got it? Okay, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to go there. अभी आप कहाँ हो? Where are you क्या now? आप मुझे जानते हैं? Do you know me? Excellent. आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो How आपको जानता नहीं। How do you know नहीं? me?
बिकॉज आई डोंट नो यू. ओके, क्या खंडवा में रहते हैं? डू यू लिव इन खंडवा? जानकी की फ्रेंड है? आर यू फ्रेंड ऑफ जानकी? एक्सलेंट. क्या आप जानकी आपकी दोस्त है? इज जानकी इज योर फ्रेंड? नहीं नहीं सर, मैं कॉलेज में हूँ, जानकी स्कूल में है. नो सर, आई एम इन कॉलेज एंड जानकी इज इन स्कूल. एक्सलेंट. जानकी इज इन स्कूल. जानकी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं है, जानकी की स्कूल गोइंग स्टूडेंट है. जानकी इज नॉट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, सी इज स्कूल गोइंग स्टूडेंट. स्कूल गोइंग स्टूडेंट. अ गुड क्लैपिंग. सर बी एम आई एंड सौम्या. ओके सो लेट्स सी. मैं खंडवा से हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ. मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए. मेरे पास बैग है, आई हैव अ बैग. मेरे पास बैग था, आई हैड अ बैग. मेरे पास बैग नहीं था. क्या बिजी हूँ? क्या आप जा रहे हो? Oh my God, क्या आ सकते हो? क्या मुझे आना चाहिए? क्या मुझे आना चाहिए? Should I go? क्या आपके पास चेयर है? Do you have chair? क्या आप बिजी हो? Are you busy? क्या आप खंडवा में हो? Are you from Khandwa? Are you in Khandwa? बच्ची सही बोल रही. आपको वहाँ जाना चाहिए. You should go there. आप वहाँ जा सकते हो. You can go there. यहाँ आओ. Come here. वहाँ जाओ. मैं भी तो Google Translator से भी तेज़ हूँ. Where are you now? मैं भी कोचिंग में हूँ. I am in coaching now. आपकी कोचिंग का नाम क्या है? What is your coaching name? ओके ये मेरा बैग है. दिस इज माय बैग. मेरे पास दो बैग हैं. आई हैव टू बैग्स. मेरे पास दो बैग नहीं है, मेरे पास एक ही बैग है. आई हैव वन बैग. ओके वहां मत जाओ. डोंट गो देयर. वहां एक भूत है. देयर इज अ गोस्ट. वन गोस्ट. वो मुझे नहीं मार सकता. ही कैन नॉट किल मी. क्योंकि मैं अमर हूँ. बिकॉज़ आई एम इमॉर्टल. इमॉर्टल. कोई भी अमर नहीं है. नो वन इज इमॉर्टल. नो वन इज इमॉर्टल. सभी जो है नश्वर है. एवरीवन इज मॉर्टल. Everyone is mortal. No one is immortal. Okay, मेरे पास बैग नहीं है. I have no bag. मेरे पास समय है. मैं एक बैग खरीदना चाहता हूँ. I want to buy a bag. That's very good. A good clapping for both. छोटे बच्चे बहुत. Okay, so Anirudh और Shivam में से देखते हैं ज़्यादा अच्छा कौन है. Shivam, you study in college. Yes. And now he's studying. In which class you study? He studies in 8th standard. अच्छा, चलो, ready? Yes, sir. Yes, sir. Now, can we start? Yes, sir. मैं जा रहा हूँ. I'm going. मैं अभी कोचिंग में हूँ. I'm in coaching now. आपकी कोचिंग कहाँ है? Where is your coaching? मेरी कोचिंग जो है नवचंडी मंदिर के पास में है. My coaching is near by नवचंडी मंदिर. नवचंडी मंदिर कहाँ है? Where is नवचंडी मंदिर? नवचंडी मंदिर आनंद नगर में है. नवचंडी मंदिर is in आनंद नगर. Is in आनंद नगर. Is in आनंद नगर. यहाँ से नवचंडी टेम्पल 2 किलोमीटर दूर है. नवचंडी टेम्पल इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर. गौरव अभी सुन रहा है. गौरव इज लिसनिंग नाउ. गौरव नहीं सुन रहा है. गौरव यहाँ आना चाहता है. गौरव वांट टू कम हियर. गौरव वांट टू कम हियर कि वांट्स टू कम हियर? वांट्स टू कम हियर. ओके श्वेता स्टेज पर आ सकती है. श्वेता कैन कम ऑन स्टेज. क्लैपिंग फॉर बोथ. ये देखो ना, ट्रैक पर डायरेक्ट सर्विस है यार. इनकी तो मोहम्मद आवेश. ओके सो आवेश, आर यू रेडी टू स्पीक? यस सर. ओके, मेरा नाम आवेश. मोहम्मद आवेश हूं. मुस्लिम. माय नेम इज आवेश एंड आई एम फ्रॉम खंडवा. एक्सलेंट. मैं खंडवा में रहता हूँ. आई लिव इन खंडवा. बहुत अच्छे. मैं खंडवा में 2 साल से रह रहा हूँ. आई हैव बीन स्टेइंग सिंस 2 इयर्स. ओके, आई हैव बीन लिविंग होगा. लिविंग है ना. स्टेइंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है? कहीं पर आप स्टे करते हो 1-2 दिन के लिए, वो स्टे होता है, है ना. और लिविंग क्या होता है? रहना. जहां पर आप प्रॉपर रह रहे हो, जैसे आपने कहा मैं खंडवा में रह रहा हूँ, और आप किसी होटल में रहोगे तो आप स्टे करोगे. वहां रहोगे नहीं, वहां क्या करोगे? स्टे करोगे. आप खंडवा में स्टेइंग कर रहे हो कि लिविंग कर रहे हो? लिविंग कर रहे हो. तो आपका सही सेंटेंस क्या होगा? मैं खंडवा में 2 साल से रह रहा हूँ. आई हैव बीन लिविंग इन खंडवा फॉर 2 इयर्स. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. ओके, आपको वहाँ जाने की जरूरत है? यू नीड टू गो देयर. आप यहाँ कब आते हो? व्हेन डू यू कम हियर? ओके, आप यहाँ कैसे आए? हाउ डिड यू कम हियर? क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हिम? मैं उसे नहीं जानता. आई डोंट नो हिम. क्या वह आपका दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड? एक्सलेंट. इज ही योर फ्रेंड? नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा भाई है. कमाल है, लेवल है. नो, ही इज नॉट माय फ्रेंड. He is my brother. Okay, that's good. A good clapping for Avesh. अगर कमाल है यार, कमाल है भाई, जबरदस्त, बहुत आला यार. To be honest, इन बच्चों को मैंने देखा यार, ये तो Google Translator से भी भाई बहुत तेज निकले. हम लोग अगर कोई हिंदी में या कोई उर्दू में वर्ड बोलते हैं, वो गूगल भी उसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगाता है. 5 सेकंड तो लगाते ही लगाते. ये वो जैसी बोल उसी टाइम मुंह पे, जैसी बोल रहे हैं उसी टाइम सर. अबे वो एक लड़की थी, थी जो वो बोलती जा रही है, जवाब सवाल जो मुंह भी होता है, जवाब फटोफट. अबे यार, तभी तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स भाईजान वर्ल्ड के बेस्ट इंग्लिश स्पीकर्स इस टाइम पे बन चुके हैं. क्योंकि यार जिस तरह ये बोल रहे हैं,
मैं कहता हूँ किसी घोड़े को इनके सामने बिठा दो तो वो भी सही नहीं बोलेगा। अभी छोटी क्लासों में इतनी बड़ी क्लासें भी नहीं, सातवीं आठवीं नौवीं में, आगे जाते तो आगे क्या करेंगे। अबे यार वही ना, ये तो हिंदी इंग्लिश यार टीचर कहते जबरदस्त मिले, कहता है मैं क्या तो मुझे जानते हो, ये वो जिस तरह वो पूछे तो उसी तरह फराफर मुंह में फराफर गोली हुए कर सकता हूँ। ऐसे टीचर अगर हमें जिंदगी में मिलते ना तो यार, एक सच्ची बात बाबा आपको करूँ यार, मेरा भी इंग्लिश सीखने का शौक था, है भी और हमेशा रहेगा भी, इसलिए मैं अपने तरीके से थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, मुझे पता लगता रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ए टू जी इंग्लिश समझ पाता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती। क्यों होती है बोलने में दिक्कत, के भाई यहाँ पे वो लेवल ही साला नहीं है, इधर इंग्लिश में किसी से बात करो पहले तो उसको समझ नहीं आएगी, समझ भी अगर नहीं आती बोलेगा उर्दू में बात करो, पंजाबी में बात करो, इंग्लिश मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की वर्ल्ड क्लास जो इंग्लिश है ना वो इंडिया में बोली जा रही है, टीचर दे रहे हैं, जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे ऐसे फराफर इंग्लिश ऐसे फराफर हो रहे हैं यार, क्या बोले यार इनके बारे में। मैं तो पहले सुनता था कि पहले इतना मुझे समझ नहीं थी कि मैं बोलता था इंग्लिश घरों में ज्यादा बोली जाती है, पर आज मुझे पता चला है कि इंडिया भी नंबर वन पहले नंबर पे यार। ये देखो ना इनकी ऐसी इंग्लिश भाई सपने में भी कोई नहीं सोच सकता, इतनी तेज इंग्लिश भाई कौन जबरदस्त। देखो यार एक माइंड है, माइंड के अंदर एक सेंटेंस जाता है प्रोसेस होने में, इनके मुंह दिमाग में जाने से पहले प्रोसेस हो गया। कर रहा था कितनी जल्दी और तो कितनी जल्दी जवाब, इधर सवाल इधर जवाब, इधर सवाल इधर जवाब। देखो सारे जो बच्चे थे तभी तो ये सारे बच्चे भाई वर्ल्ड के बेस्ट इंग्लिश, ये बात है बिल्कुल बजात, कोई शक नहीं है। ओ माय गॉड यार, इंडिया वालों कहां कहां झंडे गाड़ोगे, ओ रोए तुम लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी यार वाक्य में यार, अप्रिशिएट बनते हैं स्टूडेंट्स को, हम यही उम्मीद करते हैं पाकिस्तानियों से कि भाई ये लेवल लेके आओ यहाँ पे, अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाने जरा मेहरबानी तुम लोग कर, ये लेवल मैं तो बोलता हूँ 20 साल और भी लगे ना तो ये लेवल हासिल नहीं कर सकते। सही का मेरी सोच तो यही है कि तुम्हारी सोच क्या हो सकती है, मेरी भी सोच यही है, ये नहीं लेके ये नहीं इधर करते, ये कुछ और ही पढ़ा रहे हो इधर। तो यार आप लोग बताएं आपकी थॉट, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।